सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे 0050 के बारे में। काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया है 0534 के वीडियो पे कि आप 0050 की सही स्टेज और उसके अंदर क्या क्या मिक्सचर है और उसे कैसे डालना है ये सब पूरी डिटेल बताएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको 0534 की जानकारी चाहिए तो ये ऊपर आइकन आ रहा है, यहाँ से देख कर आप 0534 की जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 0050 के नाम कितने प्रकार के हैं। तो इसे दो तीन नामों से बुलाया जाता है, एक तो पोटेशियम ऑफ सल्फेट, दूसरा बोला जाता है सल्फेट ऑफ पोटास, तीसरा बोला जाता है 0050। तो इन नामों से काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। अगर बात की जाए कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स आते हैं, तो 0050 जो है इसके अंदर आप देख ही रहे हो कि ये NPK फॉर्म है। N में मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटाश, जिसमें से नाइट्रोजन की मात्रा 0% है, पोटाश की मात्रा इसमें 50% है। अगर देखा जाए कि पोटाश की मात्रा तो इसमें दिखाई गई है कि 50% है, लेकिन उसके साथ ही इसमें कौन से और न्यूट्रिएंट मिले हैं तो उसमें देखा जाए तो सल्फर की जो मात्रा होती है वो 17.5% होती है। उसी के साथ इसके अंदर क्लोराइड फॉर्म भी होता है जो कि NaCl और क्लोराइड फॉर्म में आता है, जो कि 2.5% मिला हुआ होता है। इस तरीके से इसका टोटल कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसका सबसे बेस्ट स्प्रे टाइम होता है जब हमारा दाना मटर के आकार का हो जाए या फिर बिल्कुल बारीक रहे, मिर्ची के दाने बराबर अगर आपका दाना हो चुका है आपकी फसल में, तब अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। उससे पहले जैसे आपका दाना भराने से पहले और हल्के से फूल वाली स्टेज होती है तब आपको 0534 डालना होता है, और अगर आपके पूरे दाना भराने की स्टेज पर आने लगते हैं तो आप 0050 का स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि उनसे क्या क्या फ़ायदे होंगे। पोटास जो होता है वो हमेशा दाना भरने और दाने में चमक लाने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है, साथ ही ये पौधे को अच्छे तरीके से टॉनिक की तरह बनाता है, इसलिए रोग से लड़ने की क्षमता भी पोटास से बढ़ जाती है। उसी के साथ इसमें मिलाया गया है जो सल्फ़र, जिसकी 17.5% पर दिया गया है, ये जो सल्फ़र होता है इससे क्या होता है कि हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा तरीके के काम होते हैं। सल्फ़र के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप इस ऊपर के आइकन से देख सकते हैं। साथ ही अगर कभी आपको इसकी डिटेल जाननी है तो मैं एक हल्का सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बहुत अच्छा फंगी साइड है, उसी के साथ बहुत अच्छा माइटी साइड भी है, और उसी के साथ प्लांट का न्यूट्रिशन तो है ही, और साथ में ये पौधे को चमक देता है और पत्तों को फ्रेश कर देता है, उससे पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छे से खाना बनाकर अपना काम करता है। अब बात आती है कि इसकी मात्रा क्या रहेगी, तो काफ़ी किसान भाई इस मात्रा में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने ये क्लियर डोज बनाया है। इसके अंतर्गत ये है कि आपको 90 से लेकर 100 ग्राम प्रति 15 लीटर के कुप्पे या फिर पंप में डालना होगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये रिज़ल्ट देगा, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर लगने से काफ़ी अच्छे तरीके से काम होता है इसका। और साथ ही इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है कि ये जो डाला जाए इसके बाद आपको 2 घंटे तक पानी नहीं आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये पत्तों के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो यही सब कुछ है 0050 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।